हेलो फ्रेंड्स, टेक टेक्नो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है शार्फ कंपनी का एयर प्यूरीफायर। आज हम देखेंगे कि इसको सर्विसिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें बैक साइड करना है और यहाँ के दो स्क्रू हैं और यहाँ से आप पुल करेंगे तो ये ओपन होगा। इसे साइड रख देते हैं। ये आपका है फिल्टर और ये रिबिन है। ये रिबिन आप जब खींचेंगे तो फिल्टर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। यहाँ पर दो स्क्रूज हैं, उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दो स्क्रू हैं, उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर भी एक स्क्रू है, इसे भी ओपन करें। इसे साइड रख देते हैं। ये दो स्क्रूज मैंने पहले ही खोल लिए थे ताकि बार बार मुझे दिखाने को दो। अब इसे ऊपर के साइड में खींचेंगे। स्ट्रेट कर लेते हैं आगे की तरफ। कितने डस्ट है इसके अंदर, इसे हम पानी से धो लेंगे। तब तक मैं इसकी साइड करते हैं। ये फ्रेंड उसका मोटर है, जो फैन है इसके नीचे मोटर है। ये देखिए डस्ट। इसका एक साइड चपटा है और एक साइड राउंड है, तो वैसे सेम इधर पर है, जो हमें मैच करके बाद में लगाना होगा। तो टाइम निकल गया है, इसे भी हम वॉश कर सकते हैं। ब्रश लेकर हम इसे क्लीन कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये मैंने डस्ट तो निकाल दिया है बट इसमें काफ़ी अभी भी है। सो हम सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो स्क्रूज हैं ये ओपन करेंगे और जो मोटर है इसे बाहर कर लेंगे और ये सारे पार्ट निकाल देंगे। सिंपल है, सिर्फ स्क्रूज खोलने हैं और साइड करने हैं। पावर सप्लाई सेक्शन है, ये जो है आपका कंट्रोलर सेक्शन है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऊपर पुल करना होगा। इसे भी ऊपर की साइड पुल करें, ये भी निकाल दें। फ्रेंड्स, मैं इसे वॉश करके लाता हूँ, फिर आगे हम इसे फिक्स करेंगे।